हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो यार गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक आयरन फार्म। ये आयरन फार्म 1.18 का बेस्ट आयरन फार्म है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं देखता हूँ इस चेस्ट में क्या है। 3 स्टिक और कॉबलस्टोन ले लेता हूँ, और मुझे तो वो आयरन डोर भी बनाना है। हाँ, 3 आयरन डोर विलेजर के लिए। अभी 2 बटन भी बना लेता हूँ। हाँ, एक दो बनाता हूँ, एक क्यों। हाँ, अभी जाता हूँ विलेजर के पास। 1 2 3 ये इस जगह को बना रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक आयरन डोर लगाऊंगा। ऊपर भी लगा देता हूँ एक कॉबल स्टोन। हाँ, तो अभी मैं इस जगह पे एक स्लैब लगा दूंगा बाद में। इसको लगा रहा हूँ कि विलेजर बाहर नहीं आएगा। अंदर बच्चे भी है विलेजर का। डोर को तोड़ कर और इसका नाम भूल गया। हाँ, अभी आयरन डोर लगाता हूँ, हो गया। अभी या नीचे स्लैब लगाऊंगा। हाँ, स्लैब लगाने के बाद मैं ये बटन लगा दूंगा यहाँ पर। हाँ, इस जगह पर लगा दूंगा और अंदर जाऊंगा अभी, और इस जगह पे एक और बटन। हाँ, हो गया। तो अभी मैं जो जो आयरन फार्म का सामान है इस चेस्ट में रख दूंगा। तो सारा सामान कलेक्ट करके आता हूँ। और हाँ गाइस, मेरा जो शुगर कैन है ना, सर्वाइवल सीरीज शुरू करने से पहले जो शुगर कैन लिया था, उसको मैं लगा देता हूँ इस जगह पर, समुंदर के किनारे पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, अभी मैं लावा लेने जाऊंगा, तो देखता हूँ मैं मेरा MLG हो जाए, प्लीज़ हो जाना। हाँ, अभी तो हो जाना। हो गया भाई। क्या यहाँ पर रिविन है? अरे हाँ, मैं तो यहाँ वो रहा लावा, देखा। अभी मैं लावा के पास जाऊँगा। अभी मैं इस वाटर को क्या करूँ, एक ही तो बकेट है मेरे पास। हाँ, एक आइडिया आया, मैं इस वाटर को इस जगह पर दे देता हूँ। अरे अंधे का अंधा। मतलब अंधार हो गया, जो भी कोई भी। अभी नीचे चले जाता हूँ, नीचे वाटर चला गया। हाँ, अभी मैं इस लावा को ले लेता हूँ। इससे मैं कॉबलस्टोन फार्म बना लूँगा, और बाद में जब ज़रूरत नहीं होगा तो भाई ज़ॉम्बी आ गया, मेरे को डरा था। ये ले मार डाला। जल्दी से घर चले जाता हूँ, वरना यहाँ पर बहुत खतरा है, मैं मर भी सकता हूँ। हाँ, हाँ, तो मैं इस लावा को यहाँ पर लगा दूंगा पहले। क्या करता हूँ? हाँ, तो मैं लावा को यहाँ पर रखूँगा पहले। लावा को यहाँ पर देता हूँ, और पानी को जल्दी से यहाँ पर रख देता हूँ, और लावा को लेता हूँ। आग लग रहा है, मेरा काउ फार्म कुछ नहीं हुआ। अब देखा आपने लापरवाही का नतीजा भाई, ये क्या हुआ? पहले की तरह ऑब्सिडियन बन गया। मैं भी कितना गलती करता हूँ। बहुत देर बाद मिलता हूँ। ओ भाई, टूट गए इतने दिन बाद। अभी वाटर को इस जगह पे रखता हूँ, और मैं जाता हूँ एक फिर से लावा लेने।
गाइस मैं फिर से लावा लेकर आ गया, अभी शायद हो जाएगा। हाँ हो गया कॉबलस्टोन फार्म, एक बार तोड़ के देखता हूँ कि होता है या नहीं। तो ठीक है कॉबलस्टोन तोड़ के फिर से आता हूँ। हाँ आ गए। ओ भाई दो शिप मिल गया मुझे, तो मैं इसको अभी मेरे घर के अंदर ही रखूँगा क्योंकि 20 बेड बनाना है। पॉकेट एडिशन का बहुत हार्डेस्ट फार्म है ये, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? पर है। हाँ अभी अंदर आ जा। अंदर क्यों नहीं आता? हाँ आ गया, अभी ब्रीडिंग करवाता हूँ। हाँ हो गया, अभी इस को अंदर ठीक से रख देता हूँ। हाँ हो गया। गाइस मेरा सामान मैंने ले लिया है जो आयरन फार्म के लिए ज़रूरी है, तो मैं अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाऊंगा 5x5 का, कि ये क्योंकि ये पॉकेट एडिशन का बहुत छोटा आयरन फार्म है, तो मैं प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करता हूँ। गाइस मेरा प्लेटफॉर्म तैयार है, तो अभी मैं यहाँ पर 7 ब्लॉक डिग डाउन करूँगा और ऊपर का 1, तो 8 ब्लॉक डिग डाउन होगा नीचे, तो मैं इसको भी जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने 7 ब्लॉक डिग डाउन कर लिया है, तो अभी मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही कर लो आप लोग। चारों साइड का 2 ब्लॉक करके आपको खोद देना है। गाइस तो मेरा डिग डाउन करना सब कुछ हो गया है, खुदाई का काम, अभी सिर्फ बेड लगाना है। बेड होगा 20 बेड। 20 बेड के लिए 60 वूल चाहिए और 60 वुड चाहिए, तो हो जाएगा 20 बेड। कोई भी बेड लगा सकते हो, लेकिन मैं जैसा लगा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को लगाना है बेड, तो ये फार्म वर्क करेगा। गाइस मेरा बेड लगाना हो गया है और चारों साइड पे जो जगह खाली है वहाँ पे सॉलिड ब्लॉक लगा लेना है। मैं तो कॉबलस्टोन ही लगाऊंगा क्योंकि मैं पॉकेट एडिशन में खेल रहा हूँ ना। अगर आपको इसका क्रिएटिव मोड चाहिए, मतलब कि क्रिएटिव में मैं बनाना सिखाऊंगा, तो बोल देना कमेंट में। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा सेम करना है आप लोगों को, और इसके साइड पर सॉलिड ब्लॉक ऐसे लगा देना है चारों साइड पर। तो गाइस मैंने चारों साइड पे लगा लिया है और अभी ऐसा प्लेटफॉर्म एक कर लो ऊपर का,
तो हो जाएगा। ऊपर का प्लेटफॉर्म करने के बाद विलेजर के लिए वो जो भी काम अपने रखा है, फ्लैचिंग टेबल जो भी है उसको ऊपर लगा दो। 20 बेड 20 विलेजर का काम वाला फ्लैचिंग टेबल जो भी है, और आखिर में 5 रह जाएगा, 5 ब्लॉक का गैप, वहाँ पे आपको सॉलिड ब्लॉक लगा देना है। अभी बारी है विलेजर लाना, तो पहले यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ मैं दिखाता हूँ कहाँ पर टॉर्च होगा। ये रहा टॉर्च, हाँ तो यहाँ पर टॉर्च लगा दो और हो गया बस। तो मैं अभी विलेजर के पास आ गया हूँ। मैं अभी पहले इस डोर को गेट के बाहर लगा देता हूँ, क्योंकि विलेजर अगर बाहर जाएगा भाग नहीं पाएगा। अभी विलेजर को मैं बाहर धक्का दूंगा और गेट को खोल दूंगा। 2 विलेजर लूंगा मैं। बाहर जा, बाहर नहीं जा रहा। जा, बाहर क्यों नहीं जा रहा? हाँ चला गया, अभी दूसरा भी चला जाएगा, इसका तो पहले से ही मन है। हाँ चला गया, अभी मैं भी बाहर जाता हूँ। हाँ एक विलेजर बैठा नहीं, हाँ अभी बैठ गया। अभी मैं विलेजर को ले जाता हूँ मेरे फार्म के अंदर। गाइस मैंने विलेजर को ला लिया है फार्म के बहुत पास ही, और अभी मैं इसके बोट को फार्म के अंदर धक्का दूंगा। ये तो पहले ही घुस गया। ठीक है अभी नीचे जाता हूँ मैं भी। वाह विलेजर काम भी ले लिया, अभी ब्रीडिंग करवाऊंगा, 20 विलेजर लगेगा। अरे बोट तोड़ना है, सॉरी गलती से लग गया। हाँ बोट तोड़ लेता हूँ अभी। हो गया गाइस, अभी विलेजर के सर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना लेना है, क्योंकि इसके ऊपर आयरन गोलम स्पॉन होगा। अगर जावा एडिशन में होता तो, सॉरी विलेजर को लग रहा है, अगर मैं जावा एडिशन में होता तो 2 ही विलेजर लगता ऐसा ही फार्म के लिए। अभी मैं ऊपर चले जाता हूँ, विलेजर को तो बेड भी चाहिए। अभी कोबलस्टोन को तोड़ देता हूँ। और क्या बचा है गाइस, अभी आयरन गोलम जहाँ पे जाके मरेगा वह उस जगह को मैं बनाता हूँ। ऐसे खोदना है आप लोगों को। गाइस मैं अभी चेस्ट बनाऊंगा, 2 चेस्ट। हाँ 2 चेस्ट हो गया। अब एक चेस्ट यहाँ पर, क्या हुआ, एक चेस्ट यहाँ पर और एक चेस्ट यहाँ पर। तो और इन तीनों जगह पे जहाँ पर डर्ट है, इस जगह को, जिस तीनों जगह को मैंने खोदा, इस जगह पे होगा हॉपर। अभी विलेजर के लिए ब्रेड ला लिया मैंने, ये ले अभी ब्रीडिंग कर। मैंने क्या बोला था, इसके अंदर विलेजर चला जाएगा, चला गया, मैं भी घुस गया। हाँ विलेजर ले ले और ब्रीडिंग कर। देखा कर रहा है, एक बेबी आजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो अभी गाइस मैं ये करता हूँ कि मेरे दूसरे वर्ल्ड में जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये फार्म कैसे वर्क करता है, क्योंकि
इस फार्म को 20 विलेजर होगा और फिर ट्रैप भी बनाना है आयरन गोलम के लिए। तो मैं चलता हूँ मेरे दूसरे वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पर मैं दिखाऊँगा कैसे करते हैं। मैं आ गया दूसरे वर्ल्ड के अंदर। ओ भाई, आयरन गोलम भी स्पॉन हो गया। हाँ ये देखिए, ऐसे आयरन गोलम इसके अंदर ही स्पॉन होगा। और मैं इसको ट्रैप को कैसे बनाए ये भी दिखा दूँगा आपको। हाँ पहले वाटर को बंद कर दूँगा, मैं कुछ सामान ले लेता हूँ। हाँ वाटर को बंद कर दिया। ये देखिए तीन जगह को ये लगेगा, और यहाँ पर फैंस गेट, और फैंस गेट खोला खोल के रखना, और अंदर लावा, और वो आयरन ग्लोब स्पॉन होगा। यहाँ पर वाटर और इस कॉर्नर पे आयरन ग्लोब हट, इस कॉर्नर पे वाटर हो गया फार्म का ट्रैप आयरन ग्लोब का। गाइस ऐसे ये आयरन ग्लोब फार्म बनाना है। देखता हूँ कि अभी कितना आयरन है चेस्ट के अंदर, क्योंकि बहुत देर नहीं हुआ, 5-6 मिनट हुआ है भाई। 29 गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।